माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के तकरीबन 10 दिन बाद आखिरकार नायब सिंह सैनी की बतौर हरियाणा के मुख्यमंत्री आज ताशपोशी हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी एवं एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नायब सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी और लगातार तीसरी जीत हासिल कर कीर्तिमान रच दिया। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव बीरेंद्र सिंह के बाद सैनी ओबीसी वर्ग से आने वाले दूसरे ऐसे नेता हैं जो हरियाणा के सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। यही वजह रही कि जब मंच पर उनका नाम शपथ लेने के लिए पुकारा गया तो इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने आई भीड़ ने इसे जबरदस्त तरीके से चीयर किया। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नायब सिंह सैनी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट में दिखा जातीय समीकरण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ वीरवार को भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट में अनुभवी और नए चेहरों का बेजोड़ मिश्रण है, साथ ही जातीय समीकरणों को भी पूरी तरह साधने की कोशिश की गई है। नवगठित हरियाणा सरकार के कैबिनेट में सर्वाधिक 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत 4 अन्य मंत्री आते हैं। इसके बाद जाट, दलित और ब्राह्मण समुदाय से 2-2 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। वहीं राजपूत, पंजाबी और वैश्य समाज से आने वाले 1-1 विधायकों को मंत्री परिषद में जगह मिली है। किस समाज से कौन नेता बना मंत्री? हरियाणा की आबादी में सबसे बड़ी भागीदारी रखने वाले ओबीसी वर्ग को नई बीजेपी सरकार के कैबिनेट में भी सबसे अधिक जगह मिली है। सबसे बड़ा चेहरा खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, जो लाडवा से जीतकर विधायक बने हैं।
उनके अलावा पिछली सरकार में डिप्टी स्पीकर रहे रणबीर गंगवा, तिगांव से जीत की हैट्रिक लगाने वाले राजेश नागर, अहिरवाल में सबसे अधिक मार्जिन से जीत दर्ज करने वाले राव नरबीर सिंह और पहली बार विधायक बनी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव शामिल हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री देने वाले जाट समाज से आने वाले दो विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। इनमें बीजेपी के कद्दावर जाट चेहरे और पानीपत ग्रामीण से जीत की हैट्रिक लगाने वाले महिपाल ढांडा और पहली बार तोशाम से विधायक बनी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी शामिल हैं। वहीं ब्राह्मण समुदाय से पूर्व सांसद और गोहाना से विधायक अरविंद शर्मा और पलवल से करण दलाल जैसे दिग्गजों को शिकस्त देने वाले गौरव गौतम को मंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार दलित वर्ग से इसराना से चुनाव जीते वरिष्ठ नेता कृष्णलाल पवार और नरवाना सीट पर कमल खिलाने वाले कृष्ण बेदी को मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार पंजाबी समाज से कद्दावर बीजेपी नेता अनिल विज, वैश्य समाज से विपुल गोयल और राजपूत बिरादरी से श्याम सिंह राणा को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरीखे बीजेपी शासित राज्यों की तरह यहां भी डिप्टी सीएम का फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। पार्टी प्रभावशाली माने जाने वाले दलित वर्ग से किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद से स्पष्ट है कि फिलहाल बीजेपी हाईकमान स्पष्ट रूप से राज्य में पूरी ताकत सीएम नायब सिंह सैनी के हाथों में ही रहने देना चाहती है। सैनी अगर आने वाले दिनों में लोकप्रिय और मजबूत होकर उभरते हैं तो बीजेपी को यूपी बिहार जैसे राज्यों में भी काफी फायदा हो सकता है जहां ओबीसी राजनीति का दबदबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।